नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन चैनल पे। मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। 300 बेस्ट एमसीक्यू, जैसे कि आपको पता होगा, सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो जितना भी मंथली करंट अफेयर्स आते जाएगा उसका 300 बेस हम लोग देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मार्च महीना का, जो महीना ख़त्म हो चुका है, उसका 300 बेस एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हिच स्टेट हैज़ टॉप द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रेटिंग। तो कौन सा स्टेट टॉप किया है डायरेक्ट बेनिफिट रेटिंग में? टॉप करने वाला राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ हरियाणा स्टेट बना था कब? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का स्थापना हुआ था, यानी हरियाणा इंडिया का पार्ट बना था। यहाँ का गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड लोसार फेस्टिवल। तो लोसार फेस्टिवल कौन सा राज्य में हाल ही में मनाया गया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दो कैपिटल है, एक है समर, एक है विंटर। समर में कैपिटल होता है शिमला और विंटर में कैपिटल हो जाता है धर्मशाला। उसी तरह उत्तराखंड का भी नया कैपिटल एक बना है, पहले एक हुआ करता था लेकिन अभी दूसरा कैपिटल भी हो चुका है। उसका नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। हिमाचल प्रदेश यूटी सबसे पहले बना, 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले यूटी बना, 1956 को। उसके बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिला कब? 25 जनवरी 1971 को ये इंडिया का पार्ट बन गया, यानी स्टेट इसको दर्जा मिल गया। यहाँ का सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ का गवर्नर का नाम है बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। 5 यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे, हु हेडेड द हाई लेवल कमेटी व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट क्लोज 6 ऑफ आसाम एकॉर्ड। क्लोज 6 साइन हुआ था राजीव गांधी का समय में, 1985 में। तो उसके लिए कमेटी बना, उस कमेटी का हेड कौन किया था ये आपको बताना है। तो जस्टिस विप्लव शर्मा जो है इस कमेटी का हेड किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी एस.ए. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े जो है प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 47 नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई, लेकिन अभी में एस.ए. बोबड़े हैं, ठीक है। असम के बारे में एडिशनल देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, ठीक है। उसके बाद असम में थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम असम का गुवाहाटी में ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेमस स्कीम भी है, जैसे अरुंधति स्कीम, उसके बाद अभिनंदन स्कीम, बहुत ही फेमस स्कीम है। असम का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को असम का स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट का संख्या है 33, लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट कितना है? 7 है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, 126 सीट है। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनका नाम है सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम चेंज होकर इसका पहले औरंग नेशनल पार्क था, अभी उसका राजीव गांधी नेशनल पार्क हो चुका है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो असम ही ऐसा राज्य है जो कि इस बार का 71 रिपब्लिक डे हुआ था। 71 रिपब्लिक डे में असम का जो टेबलो था उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, असम का टेबलो को फर्स्ट प्राइज मिला है। और इस बार 71 जो रिपब्लिक डे मनाया गया उसमें चीफ गेस्ट आए थे किस देश का? ब्राज़ील का प्रेसिडेंट आए थे, ब्राज़ील देश का प्रेसिडेंट आए थे, उनका नाम क्या था? जेर बोलसोनारो, ठीक है। ये राष्ट्रपति है कहाँ का? ब्राज़ील का, वो चीफ गेस्ट थे 71 रिपब्लिक डे 2020, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशन कंट्री हैज़ रिसेंटली लिस्टेड इन FATF ग्रे लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस का पेरिस में है। तो हाल ही में कौन सा स्टेट को
क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन में कंट्री, उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसका सही आंसर है मॉरिशियस। मॉरिशियस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, PORT पोर्ट लुइस। यहाँ का PM का नाम है परवीन जगन्नाथ, परवीन जगन्नाथ, ठीक है। यहाँ का CM का नाम, सॉरी PM का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच पे। क्वेश्चन नंबर पाँच बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, टू डे कॉन्फ्रेंस ऑन एनहेंसिंग एनर्जी कोऑपरेशन इन द बिम्स्टेक रीजन्स रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी वैसे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश का PM का नाम क्या है, शेख हसीना, और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अब्दुल हमीद। ढाका और टाका यहाँ करेंसी और कैपिटल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर छः पे। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो 2020 तेलंगाना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा इस साल 2020 में। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल समिट हेल्ड एट विच UT, आपको बताना है किस UT में हुआ है। इसका सही आंसर क्या है, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली इसका सही आंसर है, ठीक है। दिल्ली का CM अपॉइंट हुए थे हाल ही में, उनका नाम क्या है, पहले जो थे वही है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। गवर्नर का नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यहाँ पे, अनिल बैजल, ठीक है। और दिल्ली इंडिया का पार्ट बना था 1911 में। दिल्ली UT का दर्जा मिला कब, दिल्ली को UT का दर्जा मिला था 1956 को। आपको बताना है दिल्ली NCT कब बना, NCT का दर्जा कब मिला था, ठीक है। NCT का दर्जा दिल्ली को कब मिला, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सात नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, विच पर्सनैलिटी इज रैंक नंबर वन इन हुनरो ग्लोबल रिच इंडेक्स 2020। तो कौन सा व्यक्ति टॉप पे आया है, टॉप रैंक पे, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन का फाउंडर हैं। मुकेश अंबानी का रैंक 9 नंबर पे है, ठीक है, 9 नंबर पे। सुंदर पिचाई का कौन है, CEO है गूगल का, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर आठ पे, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो किसको बेस्ट आपको एक्टर अवार्ड मिला, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऋतिक रोशन, जो कि सुपर 30 फिल्म का क्या है, एक्टर है, ठीक है, सुपर 30 फिल्म का। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका चेयरमैन का नाम है K.Sivan, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का फाउंडर का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसका फाउंडर का नाम है। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त को, जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है, 1969 में, ठीक है, इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो ही चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 में, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का चेयरपर्सन का नाम बताना है, अनिता करवाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका चेयरपर्सन तो देख चुके, CBSE का स्थापना हुआ था 1962 में, 1962 सन में CBSE का स्थापना हुआ था। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे, रिसेंटली हाउ मच फंड रिलीज बाय इवेंट टू हेल्प कोरोना वायरस COVID-19 के लिए। इवेंट कितना हेल्प फंड रिलीज किया है, इवेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इवेंट का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट में है। इवेंट का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इवेंट का सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इसका क्या है, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। कितना लोन दिया था, फंड दिया था $15 मिलियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है वैसे। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हिच स्टेट असेंबली विल स्टार्ट गिविंग बेस्ट MLA अवार्ड। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, ऐसा करने वाला राज्य का नाम है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। यहाँ का CM का नाम क्या है, विजय रूपानी यहाँ का CM का नाम है। आचार्य देवव्रत यहाँ का गवर्नर है, ठीक है। उसके बाद इसका गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, गुजरात का स्थापना हुआ था। यहाँ पे लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, लोकसभा का सीट 26 है और राज्यसभा का सीट 11 है। यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, उसके बाद मेराइन नेशनल पार्क, ठीक है।
यहाँ पे एक स्टेडियम भी अनबिल हुआ था कुछ दिन पहले, उसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, नाम चेंज होके मोटेरा स्टेडियम रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। इसको इनॉग्रेशन कौन किया था? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट थे कहाँ का? यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एट द चित्रकोट इन यूपी? तो इसका फाउंडेशन स्टोन कौन रखे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी रखे हैं ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र मोदी का एक किताब भी है एग्जाम वॉरियर, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम वॉरियर किसका किताब है, तो नरेंद्र मोदी का ही किताब है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हिच स्टेट एंड यूटी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है? इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है, इससे इसका पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, नाम अभी चेंज हो चुका है। फॉर द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट अमंग द ऑल स्टेट एंड यूटी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी का दर्जा मिला 31 अक्टूबर 2019 में। ये दोनों को क्या मिला? यूटी का दर्जा मिला। एट प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी सी मुर्मू और लद्दाख का गवर्नर का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर लद्दाख का गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। इससे पहले ये फरवरी महीने का इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप वीडियो को पॉज करके रिविजन कर सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड द 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? इसको इनोग्रेशन कौन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ए इनोग्रेशन किए हैं जो इनके पास क्या मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनके पास मिनिस्ट्री है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही भी है। इंपॉर्टेंट पद्म भूषण विभूषण अवार्ड जो कि 7 व्यक्ति को 2020 में मिला, उनका नाम ए है, आप रिविजन कर सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अरुण जगन्नाथ, MC मेरीकॉम, चंद्रलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज और विश्वेश्वर स्वामी जी, इन सभी व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला। 141 मिला था जिसमें से पद्म विभूषण 7 मिला था और बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है आपको बताना है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 17 पे। रिसेंटली व्हिच मिनिस्ट्री इनोग्रेटेड कैंपस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एट कोलकाता? कौन सा मिनिस्टर इसको इनोग्रेट किए हैं? अमित शाह, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात अहमदाबाद में है, वही इसको इनोग्रेशन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैज़ बीन कंक्लूडेड इन व्हिच स्टेट? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंक्लूड कहाँ हुआ? इसका सही आंसर उड़ीसा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम पूछेगा, यूथ वाला, तो वो कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में, असम का गुवाहाटी में हुआ था। इस पर टॉप में कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। ठीक है, टॉप रैंक पे। और इसका उड़ीसा वाला जो यूनिवर्सिटी गेम था, इसमें टॉप कौन आया? पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप आया, चंडीगढ़ का पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे आया। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 19 पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडस लैंड बैंक? किसको अपॉइंट किया है? सुमंत जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, सुमंत कतपाला पालिया सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर दिल्ली पुलिस कमिश्नर? किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है? एस एन श्रीवास्तव जो है यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं और स्मृति जुबिन ईरानी का मंत्री क्या है? टेक्सटाइल मंत्री इनके पास है। क्वेश्चन 21, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम भी आपको याद रखना है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इसका थीम था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 22, हुज स्टेट असेंबली बिकम पेपरलेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई विधान? तो कौन सा स्टेट असेंबली पेपरलेस हो जाएगा? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। ठीक है, यहाँ का CM का नाम है पेमा खांडू और गवर्नर का नाम है बी डी मिश्रा। लोकसभा का सीट 2 है, राज्यसभा का सीट 1 है और यहाँ पे 2 फेमस नेशनल पार्क है, एक है नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क, 2 फेमस नेशनल पार्क यहाँ का है। ठीक है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया? आपको बताना है तो कौन है? इसका सही आंसर पेक्का रक्का लूंडमार्क जो है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोकिया का है। नोकिया कहाँ का कंपनी है? फिनलैंड देश का कंपनी है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। हु विल बी अवार्डेड एट स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड 2020 इन न्यू दिल्ली? तो किसके अवार्ड दिया गया है?
जयदा पेयंग पेयंग जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। इनको अवार्ड दिया गया है स्वामी विवेकानंद करम योगी अवार्ड। हिमा दास असम से बिलोंग करती है, इनको ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, एथलीट है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 25 पे, हु इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू वेनेजुएला। वेनेजुएला कैपिटल क्या है? काराकास। इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर? अभिषेक सिंह यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। और करेंसी क्या है? पेट्रो यहाँ का करेंसी है, पेट्रो बोलिविया, दो करेंसी है यहाँ पे। क्वेश्चन 26 पे, हु रिसेंटली इनोग्रेटेड द एनुअल इवेंट नॉन एज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव? कौन इनोग्रेट किया है? यूपी का सीएम का नाम जो है वही इनोग्रेट किया है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, यूपी का सीएम इनोग्रेट किए हैं। यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ का गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दूधवा नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क है, ठीक है। क्वेश्चन 27 पे, विच मोबाइल कंपनी रिसेंटली लॉन्च काच म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म? तो ओप्पो मोबाइल कंपनी हाल ही में लॉन्च किया है। ओप्पो भी कहाँ का कंपनी है? चाइना का, ठीक है। 2001 में इसका सपना हुआ था। रियलमी का एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। क्वेश्चन 28, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट सऊदी अरब ग्रीन कार्ड? तो एम ए यूसुफ अली, इनको मिला है सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सऊदी अरब का करेंसी क्या है? सऊदी रियाल, और कैपिटल रियाद है, और यहाँ पे किंग है सलमान बोल के, वो यहाँ का किंग है। क्वेश्चन 29, वर्ल्ड रेडिंग डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है वर्ल्ड रेडिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर 3 मार्च है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन FIS मेंस हॉकी इन द वर्ल्ड? इंडिया का रैंक क्या है? 4 नंबर है। टॉप पे कौन है? बेल्जियम है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन 31 है, तस्नीम मीर एंड मानसी सिंह हैज रिलेटेड टू हिज स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 32, विच एयरपोर्ट हैज लॉन्च एक्सपोर्ट गोल्ड जोन टू स्टोर एग्रो फार्मा प्रोडक्ट? ऐसा करने वाला कौन सा है? मुंबई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। मुंबई किसका कैपिटल है? महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन 33, विच स्टेट हाई कोर्ट रिसेंटली पास एन ऑर्डर एंड बैन ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन द कॉलेज एंड स्कूल परमिशेस? ऐसा करने वाला राज्य का नाम है केरला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 34, व्हाट वॉज द वेन्यू ऑफ अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट विच इज़ रिसेंटली पोस्टपोन्डेड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2020? पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो कहाँ पे होने वाला था? मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया कैपिटल कोलालंपुर है। करेंसी रिंगिट, RINGGIT रिंगिट। PM मियुद्दीन यासिन। क्वेश्चन 35, विच यूटी और स्टेट हैज़ स्टार्टेड 35 एडिशन ऑफ फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? आपको बताना है, राज्य का नाम है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन 36, 19 वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट? व्हिच स्टेट या सिटी? इसका सही आंसर है बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक का क्या है? राजधानी है। 37, व्हिच सेंचुरी इन MP हैज रिसेंटली डिक्लेयर एज इको सेंसिटिव जोन? तो कौन सा सेंसिटिव जोन है डिक्लेयर किया है? उसका नाम क्या है? चंबल सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन 38 पे, रिसेंटली और PM नरेंद्र मोदी विल विजिटिंग विच कंट्री? तो हाल ही में विजिट किए कहाँ पे? इजिप्ट में, ठीक है। इजिप्ट कैपिटल क्या है? कायरो, CAIRO। यहाँ का करेंसी क्या? पौंड है। सो ये सब तथ्य है एडिशनल। हु इज़ री इलेक्टेड PM ऑफ इजराइल? इजराइल का PM हाल ही में री इलेक्ट कौन हुए? पहले भी हुए थे, फिर से री इलेक्ट हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? जेरूसलम कैपिटल है इसराइल का, और इसराइली सिकल यहाँ का करेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप तो पता ही है USA का। व्लादिमीर पुतिन कहाँ का है? US कहाँ का है? रशिया का राष्ट्रपति है, ठीक है। क्वेश्चन 40, विच सिटी विल होस्ट 108 इंडियन साइंस कांग्रेस इन JN 2020? तो कौन होस्ट करेगा इसको? इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? कौन होस्ट करेगा? पुणे होस्ट करेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 2020 का कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, 2020 का कहाँ हुआ था? ये तो 21 का पुणे होस्ट करेगा, 2020 का कहाँ हुआ था? ये 107 होगा। कहाँ होस्ट हुआ था? बेंगलुरु में होस्ट हुआ था 107वां इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस, ठीक है। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन 41, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 मार्च।
बाकी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे देख चुके हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे देख चुके हैं, तीन को मनाया जाता है और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। आगे चलेंगे, विच कंट्री इज ए टॉप पोजिशन इन ICC टेस्ट रैंकिंग 2020, कौन सा कंट्री टॉप पे है आपको बताना है। टॉप पे है इंडिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई UAE में। इसका स्थापना हुआ था 1909। CEO का नाम है मनु सोनी और इसका चेयरपर्सन का नाम है शशांक मनोहर, ठीक है। आगे चलेंगे 43 क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप बिगन एट विच स्टेट, तो कहाँ पे बिगन हुआ है। इसका सही आंसर है हरियाणा सही आंसर इसका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ए मल्टी लेटरल एक्सरसाइज मिलान 2020 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस, कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है, मिलान एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस हाउ मेनी एड्स टू कॉम्बेट कोरोना वायरस आउटब्रेक, तो 12 मिलियन दिया है, अनाउंसमेंट किया था एड के लिए, हेल्प के रूप में। वर्ल्ड बैंक का CEO का नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास और अंशुला कांत इसका MD & CFO है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन 46, सैफाली वर्मा किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्मा एंड इंडियन मेडिसिन डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कहाँ पे हुआ है इसका कॉन्फ्रेंस, तो गांधीनगर जो कि गुजरात में है वहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। 48 क्वेश्चन अब चलेगा, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार विल बी कॉमेंस, कहाँ पे कॉमेंस होगा, न्यू दिल्ली में हो चुका है वैसे। 49 पे, हुई इज अपॉइंटेड इंडिया एम्बेसडर टू टर्की, टर्की के लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया है, संजय कुमार पांडा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, संजय कुमार पांडा टर्की देश का एम्बेसडर बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन होगा, जन औषधि डे कब से कब मनाया जाता है, 1 से 7 अप्रैल मनाया जाता है जन औषधि वीक, ठीक है। तो 50 MCQ इसमें देखेंगे, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। 50 वीडियो MCQ यहाँ देख चुके हैं और बाकी पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका PDF के लिए WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।